मीम कल्चर में अजय देवगन एक बड़ा नाम है। अक्षय कुमार के बाद सबसे ज्यादा मीम किसी पर बनता है तो वो अजय ही है। खासकर उनके विमल इलायची वाले ब्रांड के ऐड को लेकर खूब मीम शेयर किया जाते हैं। गूगल पर जुबान केसरी सर्च करेंगे तो आपको अजय के बतेरे मीम्स मिल जाएंगे। अब हाल ही में अजय ने इन मीम्स पर पहली बार बात की है। रणवीर अलाहाबादिया को दिए इंटरव्यू में जब अजय से पूछा गया कि मीम कल्चर में जब कोई उनके सामने जुबान केसरी बोलता है तो उनके दिमाग में क्या चलता है, तो इस पर अजय बोले, मुझे ऐसा लगता है कि अब ऑफेंसिव होना खत्म हो गया है, अब मीम सब इंजॉय करते हैं। अब ऐसा हो गया कि अरे यार तुमने वो मीम देखा। वैसे अजय देवगन के इस एड को लेकर तमाम तरह के विवाद भी हो चुके हैं। साल 2022 में अजय के साथ अक्षय कुमार, शाहरुख खान विमल के एड में नजर आए थे। उसके बाद अक्षय की खूब आलोचना भी हुई थी। लोग लिखने लगे थे कि एक तरफ अक्षय सेहत का ध्यान रखने को कहते हैं और दूसरी तरफ पान मसाला कंपनी का एड कर रहे हैं। फिर अक्षय इस एड से दूर हो गए थे और लोगों से माफ़ी भी मांगी थी। फिर अक्षय कुमार की जगह टाइगर श्रॉफ को लिया गया। अब अक्षय की जगह आगे के एड्स में टाइगर ही नजर आने वाले हैं। अक्षय ने कई बार कई इंटरव्यूज में ये सफाई दी कि वो इलायची समझकर इस एड का हिस्सा बने थे, मगर अजय देवगन ने कभी इस एड पर बात नहीं की। उस पर बनने वाले मीम्स को लेकर फाइनली अब बात की है। वैसे अजय लंबे समय से विमल का ऐड कर रहे हैं, इसके लिए उनकी भी भयंकर ट्रोलिंग होती आई है। कहा जाता है कि इलायची का नाम लेकर ये लोग तंबाकू वाले प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। उनके एंडोर्समेंट के चक्कर में फैंस इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। वैसे अजय और अक्षय वो पहले सेलिब्रिटी नहीं जिनके इलायची की आड़ में पान मसाला का ऐड करने को लेकर हंगामा मचा हो। इससे पहले अमिताभ बच्चन भी इस फेर में फंस चुके हैं। खैर, अजय देवगन की हाल ही में आई फिल्म सिंघम अगेन की बात करें तो वो बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिल्म अब तक 200 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है। हमने फिल्म का रिव्यू भी किया है जिसे आप जाकर हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, साथ ही हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरी साथी मेघना ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं रन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।